दस साल हो गए, घटो घट दस साल हो गए। गाड़ी में ब्रेक ऑयल नहीं है और ये गाड़ी बंद करके चलाते हैं। और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे सामने खड़ी है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। और फिर भी गाड़ी का ड्राइवर जो हमारे साथ बहस करके गया ये बोल के कि गाड़ी का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ है सारा का सारा मिस्त्री दिखाएगा क्या क्या नुकसान हुआ, और गाड़ी हमारी पूरी की पूरी रिपेयर होकर आएगी। इसमें ना हमारी कोई गलती है और ना हमें कोई इसके जुर्माना भरना पड़ेगा इस चीज़ का। और ये देखो यहाँ पे आप ब्रेक ऑयल देख सकते हो, यहाँ पे इसकी वीडियो नोट करो, यहाँ पे ब्रेक ऑयल देख सकते हो। बच्चों के ऊपर रिस्क लेके बिल्कुल चला रहे हैं और गाड़ी बंद करके चलाते हैं खुद का तेल बचाने के चक्कर में। और यहाँ पे ब्रेक ऑयल देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑयल है ही नहीं, तभी तो ब्रेक फेल हुई है। अगर हमारी गाड़ी यहाँ पे नहीं होती तो यहाँ पे आगे पेड़ के साथ एक्सीडेंट होना चाहिए, अगर बच्चे की डेथ हो जाती किसी तो कौन जिम्मेवार था इसका? ये ड्राइवर होता है या कोई प्रिंसिपल होता है इसका जिम्मेवार? कितने बच्चे थे इस गाड़ी में? इस गाड़ी में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 बच्चे थे, एक ही बच्चे को लगी हुई है। और अगर हमारी गाड़ी आगे नहीं होती तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाना था, और कितने बच्चों की डेथ हो जाती, फिर कौन इसका जुर्माना भरता? किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेवार हम ठहराना चाहते हैं इसके स्कूल को, जो स्कूल प्रॉपर गाड़ियों को चेक करके नहीं चलाता, और हम ठहराना चाहते हैं उस ड्राइवर को जो ड्राइवर देखता नहीं है कि यहाँ पे बंद करके चलानी है या गाड़ी स्टार्ट करके चलानी है। उसने बंद करके गाड़ी तेल बचाने के चक्कर में बंद करके गाड़ी चलाई हुई है, और उसमें ब्रेक ऑयल भी नहीं है। और हमें